चलिए एमपी जीके की डिस्ट्रिक्ट श्रृंखला में आज हम देखते हैं धार डिस्ट्रिक्ट। यदि हम धार की बात करें तो धार अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। यहाँ का जो मांडू किला है वो आप अपने आप में एक सुंदरता का परिचायक है। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। धार की बात करें तो धार इंदौर संभाग का दूसरा जिला है। हमने इसके पहले इंदौर डिस्ट्रिक्ट को देखा था, आज हम देख रहे हैं धार को। तो धार के सीमावर्ती जो जिले हैं उनमें कुछ सीमा इसकी उज्जैन से लगती है, कुछ इसकी रतलाम से लगती है। इधर झाबुआ, अलीराजपुर, बरवानी और पश्चिम निमाड़ या खरगोन। हम इसका पूरा मैप देखते हैं। ये धार का, धार डिस्ट्रिक्ट का जो है कि मैप है, जिसके अंतर्गत ये झाबुआ, अलीराजपुर हो गया, ये खरगोन हो गया, इधर इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है। तो इस प्रकार से परिदृश्य की बात करें, मैप के आधार की बात करें या इससे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि धार से किस जिले की सीमा लगती है। जिस प्रकार से MPPSC के अंतर्गत अभी सीमावर्ती जिले पूछे गए थे, उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट के भी सीमावर्ती जिले पूछे जा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं। तो उसमें रतलाम, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, बड़वानी इसमें इधर नीचे की तरफ आ गया है, और झाबुआ, ये इसके सीमावर्ती जिले हैं। अगला यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो धार का जो क्षेत्रफल है वो 8153 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार 21,85,793 यहाँ की जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करें तो प्रति पुरुष, प्रति 1000 पुरुष यहाँ का लिंगानुपात है 964। साक्षरता की बात करें तो 59.0% यहाँ का साक्षरता दर है, और उसमें साक्षरता पुरुष के लिए बात करें तो 68.9 है, वहीं पर महिला साक्षरता 48.8 यानी 48% महिला साक्षरता है। नगरीय निकाय की बात करें तो 18.9% यहाँ का नगरीय निकाय है, वहीं पर 81.1 यहाँ का ग्रामीण निकाय है। यहाँ की तहसीलों की बात करें तो इनमें तहसील में धार, बदनावर, सरदारपुर जो मैप में दिखाई गई है, ये धार तहसील है। इसी से ऊपर की ओर बदनावर है, है ना। तो बदनावर, सरदारपुर, मनावर, धर्मपुरी, गंदवानी, कुछी दही, कुछी दही इधर आ गया है, और सरदारपुर और ये ऊपर चला गया है, कुछ छिप गया है, गंदवानी इधर है। तो ये यहाँ की तहसीलें हैं। विकासखंड की बात करें तो खुद धार, बदनावर, सरदारपुर, मनावर, धर्मपुरी, गंदवानी, कुछी और दही, ये यहाँ के विकासखंड हैं। धार्मिक स्थल की बात करें तो धार्मिक में यहाँ के प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है कि मोहनखेड़ा में स्थित है, भोजशाला जिसे राजा भोज ने बनवाया था, तो एक पौराणिक धार्मिक तौर पर देखा जाए तो भोजशाला यहाँ पर स्थापित है। काली का माता मंदिर यहाँ पर स्थापित है, लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज मंदिर यहाँ पर स्थापित है, और लाट की मस्जिद धार में स्थापित है। इसी प्रकार बदनाव का जो शिव मंदिर है वो भी प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ के धार्मिक क्षेत्र हुए। पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में धार का जो मांडू है वो पर्यटन के लिए विख्यात है, और जिस प्रकार हमने प्रारंभिक तौर पर भी इसकी बात कही थी, प्राकृतिक धरोहर को लिए हुए हैं। तो प्राकृतिक सुंदरता भी है और पौराणिक सुंदरता भी है, जिसमें किले वगैरह की हम बात करें तो मांडू अपने आप में एक पर्यटन का क्षेत्र है, जहाँ पर जहाज महल है और हिडोला महल है। जहाज महल का प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाता कहाँ है, तो मांडू में है, और हिडोला महल भी मांडू में है, असरफी महल भी मांडू में है, रानी रूपमती का महल ये भी मांडू में स्थापित है। इसी प्रकार यहाँ पर बाघ की गुफाएं हैं, धार का किला है, बाघ की गुफाएं मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है या कौन सी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है।
फड़के संग्रहालय यहाँ पर है, जहांगीर गेट यहाँ पर है, और तारापुर गेट है, रामपोल दरबार यहाँ पर है, और अमझेरा का किला, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत छोटा क्वेश्चन है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बात पता नहीं रहती है। तो जो है कि अमझेरा का किला, ये शायद एक साल पहले इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैंने भी उसको पढ़ा है। तो अमझेरा का किला ये भी जो है कि धार में स्थापित है। विशेष की बात करें तो यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म उद्यान की जो कि यहाँ पर स्थापित है, जिसमें दुर्लभ किस्म के डायनासोर के अंडों की खोज भी की गई, और जिनके संरक्षण के लिए दिसंबर 2010 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना धार जिले में की गई। इसी के पास में पीथमपुर जो है कि औद्योगिक क्षेत्र है, जो धार जिले का महू और नीमच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, और पीथमपुर को डेल्टाइट भी कहा जाता है। यहाँ पर मोटर गाड़ी तथा दो पहिया स्कूटर वाहन आदि की भी बनाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर होंडा, आइसर, गुड़ियर, हिंदुस्तान मोटर्स, बजाज आदि के जो है कि इस्पात यहाँ पर लगे हुए हैं, इनके उद्योग लगे हुए हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ सीमेंट भी बनाई जाती है, और विद्युत उपकरण, लोहे के तार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं थी। इसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य धार के हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें धार में, तो धार की कहा जाता है कि मध्यकालीन शहर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ये स्थित है, जो बैरन पहाड़ियों से घिरा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धार किन का पहाड़ियों से बना है, तो बैरन पहाड़ियों से बना है और इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, और इसका प्राचीन नाम जो था वो धारा नगरी था, बाद में इसको धार कर दिया गया। और इसकी स्थापना जो परमार पंवार समाज के राजा भोज थे उन्होंने की थी। और धार जिले में दो प्रमुख स्थान, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है और मांडू पर्यटन है। 9वीं से 24वीं सदी में धार के परमार राजपूतों के अधीन मालवा की राजधानी ये रहा, और मांडू की जो सिटी, मांडू को जो है कि सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की सिटी भी इसका कहा जाता है, और जिले से नर्मदा, चंबल और माही नदी प्रवाहित होती हैं। धार की यदि बात करें, धार जिला तीन भौगोलिक खंडों, क्रमशः उत्तर में मालवा, विंध्याचल रेंज, मध्य क्षेत्र तथा दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी तक ये फैला हुआ है। 1818 में खोजी गई बाघ की गुफाएं अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर बनी हुई है, और इसी के साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफाओं में चैतन्य हाल में स्तूप है, और रहने की कोठरी के साथ ही अनेक बौद्ध मठ भी व मंदिर भी इसमें हैं। जिले में NH-79 तथा NH-69 दोनों यहाँ से होकर के गुजरते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। और 2011 की जनगणना के अनुसार धार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो है धार, जिसकी 12,22,814 यहाँ की जनसंख्या जनजाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या इसकी है। धार का दूसरा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर यानी 43.4% वाला ये जिला भी है, दूसरा है। लेकिन जिले से नर्मदा, चंबल और माही नदी प्रवाहित होती है, ये बात भी हमने अभी की थी, और 16 अक्टूबर 2014 को धार के जो पंवार वंश की ऐतिहासिक धर्मशाला थी उसको पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से राज्य संरक्षित इस बार घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण तथ्य इसके हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।